गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नई सुबह में। और हर एक सुबह अलग होती है। अगर टाइम से उठ जाओ तो तसल्ली वाली सुबह, और लेट से उठो तो भागम भाग वाली मॉर्निंग। तो आज मैं आराम से टाइम से उठ गई हूँ। अभी 10 मिनट का ग्रेस मिल जाता है क्योंकि बच्चों का स्प्रिंग ब्रेक चल रहा है, और स्प्रिंग ब्रेक चालू हो गया है बट बाहर तो विंटर ही है, बर्फ है, स्नो है। तो वो 10 मिनट कंबल में कोजी कोजी होके सोना अच्छा लगता है। तो गर्मा गर्म पानी पीते हैं, और तब तक मैंने पानी चढ़ा दिया है खूब सारा नमक डाल के, क्योंकि पास्ता बॉईल करना है। सुबह गर्मा गर्म पानी मज़ा आ जाता है, स्पेशली ठंड में। बच्चों की 2 वीक्स की छुट्टियां हैं स्प्रिंग ब्रेक की, तो येशा के लिए 1 वीक का कैंप मिल गया था, स्पोर्ट्स कैंप। तो एक दूसरा स्कूल है, हाई स्कूल है, वहाँ पे हर एक स्कूल से कुछ एक बच्चों को लेके स्पोर्ट्स कैंप टाइप इंडोर ऑर्गेनाइज किया था। तो वही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो हम इन सब में बड़े तेज रहते हैं कि कुछ मिला नहीं कि फटाफट से एनरोल कर दो। और येशा भी खुश थी क्योंकि उसको अच्छा लगता है स्पोर्ट्स में जाना। तो उसके क्लास से 3-4 बच्चे हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से बच्चे आए हुए हैं। तो ऐसे कैंप में ना बच्चों को खूब सारी चीज़ें लर्न करने को भी मिलती है। स्पोर्ट्स कैंप है, स्पोर्ट्स तो लर्न करते हैं बट नए नए बच्चों से मिलते हैं, कैसे बात करना है, कैसे फ्रेंड्स बनाने हैं। तो जो ये पीपल स्किल्स होता है वो भी डेवलप होता है। तो 1 वीक येशा जा रही है, और 1 वीक उसकी भी छुट्टी होगी। और अभी केयूष तो घर पे ही है, तो उसके जो Grade 1 की बुक है, मैं उसमें से कुछ पेजेस, इस तरह के काफ़ी सारे डिफरेंट बुक्स मिल जाते हैं कनेडियन करिकुलम के, वॉलमार्ट, कॉस्को, सुपर स्टोर, हर एक स्टोर्स में मिल जाते हैं, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। तो मैं इस तरह से ना उसको जो आता है, जो वो अकेले कर सकता है, उस तरह के शीट्स निकाल के रख देती हूँ। तो वो अपना उसका रूटीन सेट है। लाइक सुबह थोड़ा लेट ही उठता है, लेट क्या, उसको भी ना जल्दी उठने की आदत है, तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं उठता, हमारे जाने से पहले उठ जाता है। तो अपना ब्रश ब्रश, ब्रेकफास्ट करके, टीवी टाइम एंजॉय करके, उसके बाद वो स्नैक्स एंड ऑल खा के होमवर्क थोड़ी देर कर लेता है, तो थोड़ा इसमें बिजी हो जाता है। उसके बाद तो वो अकेले ज़्यादा अच्छे से प्ले कर लेता है ये शरद। तो फिर लड़ाइयाँ। स्टार्ट कर दो ना, फिर गर्मा हट आ जाती है। जो किचन ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो डाला था ना, तो कुछ एक कमेंट्स आए थे कि जब ट्रांसपेरेंट जार है तो मैं लेबलिंग क्यों करती हूँ, लाइक एक काम क्यों बढ़ाना। तो कुछ काम करके आपको खुशी होती है तो उसमें टायर्डनेस नहीं होता। तो जब भी मैं पैंट्री डोर ओपन करती हूँ और अच्छे से वेल लेबल्ड जार्स देखती हूँ, देखने में एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है, तो अच्छा लगता है। अपनी खुशी के लिए, इनर पीस के लिए एक कामनेस वाली फीलिंग आती है, इसलिए मैं करती हूँ। कम्प्लीटली अपनी चॉइस है, ज़रूरत नहीं है। बट अगेन, अगर आपके अलावा भी काफ़ी सारे लोग आपके फैमिली से किचन में आते हैं आपके पीछे, तो उन्हें सब कुछ नहीं पता होता ना। तो लेबल देख के काफ़ी सारे मसालों के नाम, दालों के नाम, इनफैक्ट बच्चे भी सीखते हैं। तो येशा को जैसे बहुत इंटरेस्ट है कुकिंग में, तो जब वो आती है इस तरह के स्पाइस लेबल्ड जार्स देखती है, तो काफ़ी सारे मसाले वो रीड करती है। तो ऐसे ही सीखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से बच्चे सीख जाते हैं। येशा जिस स्पोर्ट्स कैंप में जाती है ना, उनको स्नैक्स, लंच सब कुछ वहीं से मिलता है। तो कुछ भी लेके नहीं जाती है, बस ब्रेकफास्ट करके जाती है। तो इसलिए मेरा और अनुज का ही लंच बॉक्स पैक हो रहा है। और आज वेंसडे है, मंडे से स्टार्ट हुआ है इनका समर ब्रेक, तो हम रोज सैलड लेके जाते हैं, डिफरेंट सैलड। तो कल काले चने का सैलड बनाया था, तो आज मैंने सोचा कि चलो पास्ता सैलड बनाते हैं। तो पास्ता कोई मैक्रोनी बॉईल कर लिया है, फटाफट से बॉईल हो जाएगा, छोटे आना, और थोड़ा ज़्यादा कर लिया है कि थोड़े से बॉइल्ड रख दूंगी इवनिंग में, जब बच्चों को अगर भूख लगेगी तो उनको भी हल्का सा पास्ता सॉस के साथ सॉटे करके दे दो, अच्छा ही लगता है। यहाँ पे दाल चावल सोख करके रख दिया है, ये साबुत वाली मसूर की दाल है। यहाँ पे दूध चढ़ा दिया है, और यहाँ पे बॉइल हो रहा है चाय का पानी। चाय तो बस एक कप ही बनती है, अनुज ने सुबह की चाय छोड़ दी है, लाइक वीकेंड में वो शौकिया वाली चाय पीते हैं, या फिर कभी वो भी नहीं पीते हैं, लास्ट 1-2 महीने से छोड़ दिया उन्होंने। बट मुझे तो चाय चाहिए होती है, लाइक चाय ना मिले ना सुबह की तो लगता ही नहीं है दिन की शुरुआत हुई है। एक ही बार ही पीती हूँ मैं सुबह की चाय, बट
भर के एक कप अदरक वाली चाय, वो तो चाहिए। वेदर चेंज हो रहा है ये पता तो चलता है। मॉर्निंग में विंटर्स में 8 o'clock तक बिल्कुल अंधेरा रहता था, बट अभी 7 ही बजे फिर हल्की हल्की रोशनी दिख रही है। इन कर्टन्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ से लिया है, तो दिवाली ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो एक स्टोर है साइमंड्स, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था क्योंकि यहाँ पे स्टोर नहीं है, काफ़ी सारे जगह पे नहीं है, बिग बिग सिटीज में ही स्टोर है, बट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। चीज़ें एक्सपेंसिव है पहले से ही बता रही हूँ, तो मैंने ये सेल पे लिया था। तो वही होता है कि आप चीज़ें देखते रहो, कभी भी सेल पे कुछ भी आ जाता है, तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ये बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले मुझे इस कर्टन्स के लिए। सैलेड में मैं ये वाला मेयोनीज यूज कर रही हूँ। 1 चम्मच ये मेयो ऐड किया है और 2 चम्मच ग्रीक योगर्ट। बिल्कुल थोड़ा सा मस्टर्ड, मुझे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। लेमन जूस, व्हाइट पेपर पाउडर, थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब और गार्लिक पाउडर। पास्ता सैलेड के लिए मैंने यहाँ पे हैलपिनो, रेड पेपर, कैरेट, अनियन, क्यूकम्बर और ये पर्पल वाले कैबेज कट किए हैं। कितना प्यारा लग रहा है ना ये पर्पल कलर। मुझे अचानक से याद आया कि हमारे पास ऑलिव्स भी है और मुझको पसंद भी है, तो थोड़े से ऑलिव्स चॉप। बच्चों के कारण रेड पेपर यूज करने का मौका नहीं मिलता, तो आज सिर्फ हम दोनों का लंच बॉक्स है, तो थोड़े से रेड पेपर्स भी ऐड कर देती हूँ। नमक आप अपने अंदाज से ऐड कर देना, मैंने पास्ता बॉईल करते टाइम भी नमक डाला था, और ये जो मेयोनीज ये सब डालते ना उसमें भी थोड़ा सा एक सॉल्टीनेस तो होता ही है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा नमक ऐड नहीं किया। और वैसे सैलड में अगर मुझे नमक ऐड करना होता है ना तो ये पिंक सॉल्ट यूज करती हूँ मैं, हिमालयन सॉल्ट। चलो जी, ऑलमोस्ट डन है, अब बस सफाई कर लेते हैं और चॉपिंग बोर्ड को ऐसे वॉश करके ना तुरंत अगर क्लीन कर लो ना, वाइप कर लो उसको, या किचन टॉवल से या कपड़े से, तो सही रहता है। पानी में अगर ये गीला रह गया ना, स्मेल तो आती है और शेप गड़बड़ हो जाता है इसका, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, और इसको कभी भी डिश वॉशर में ऐड नहीं करना। और टाइम टू टाइम इसको बेकिंग सोडा, लेमन या फिर विनेगर से अच्छे से स्क्रब करके और फिर वॉश कर लेना, अच्छी सी खुशबू भी आएगी, जो भी हम वेजीज एंड खाना वाना जो भी चॉप करते हैं उसकी जो स्मेल होती है वो चली जाती है बेकिंग सोडा और विनेगर से, या फिर लेमन भी यूज कर सकते हो आप, सेम थिंग। आई नो ये बिग वाला चाकू देख के बहुतों को डर लगता है, बट एक बार इससे काम करने की आदत पड़ जाए ना तो फिर छोटे चाकू से काम नहीं चलता। तो इसको सेफली इसके घर तक पहुंचा देते हैं। दाल में नमक और हल्दी डाल के इंस्टेंट पॉट में अराउंड 15 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक करके रख दिया था मैंने, और मम्मी बाद में इसमें तड़का लगा लेंगे। ये वाला टोस्टर मैंने कनेडियन टायर से लिया था, सेल पे अंडर $30 मिल गया था, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइस है इतने ब्यूटीफुल लुकिंग टोस्टर के लिए। हमेशा नहीं मिलता, बट आप सर्च कर सकते हो, आप ऑनलाइन पे भी देख सकते हो, उसमें भी पता चल जाता है। कभी कभी ना 1 दिन 2 दिन के लिए सेल आता है, ऐसे एक्सट्रीम वाला जो सेल होता है। ऐसे अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में टोस्टर लेना है तो आप वॉलमार्ट और अमेजोन दोनों में ही प्राइस देख के कंपेयर करके ले सकते हो। ऑल डन, बस डिश वॉशर एम्प्टी करना रह गया है।
और आज एवोकाडो नहीं है, अदरवाइज मैं ब्रेड पे एवोकाडो ही लगाती हूँ, और एवोकाडो नहीं होता है तो मैं प्लेन ब्रेड ही लेके जाती हूँ सिर्फ सेक के, और बहुत ज्यादा ब्राउनिंग भी नहीं अच्छी लगती मुझे, और बस चाय के साथ। ये लेके जाते हैं ब्रेड जैम, तो खुद ही लगाते हैं ब्रेड पे जैम। मीठा चाहिए, बस मीठा दे दो। गुड मॉर्निंग केयूष, और भी नहीं आ रही। यहाँ पे आपके होमवर्क शीट्स रख दिए। ओके बाय बाय, हगी हगी हगी, बाय बाय, निकला जाए। आज इतना ज्यादा काम था और ऊपर से प्रॉब्लम्स ज्यादा हो गए, टेक्निकल प्रॉब्लम ज्यादा हो गए, कभी लैपटॉप खराब हो जाए, कभी प्रिंटर खराब हो जाए, लास्ट में तो स्टेपलर खराब, वो भी मैं किसी और से जाके मांग के लेके आई, उसका स्टेपलर बड़ा अच्छा था, मुझे वही वाला ऑर्डर करना होगा। अरे इतनी बुरी हालत, कहाँ मैं 2 बजे 2:30 बजे आती हूँ घर, आज 5:30 बजे ऑफिस से निकली हूँ, तो ये बच्चे हल्ला कर रहे हैं कि पार्टी कराओ पार्टी कराओ, लेट काम करने की खुशी में पार्टी कराओ। और वैसे भी ना मुझे $25 का गिफ्ट कार्ड मिला था ऑफिस के तरफ से, इनका अपना वेबसाइट है इंट्रानेट, नया लॉन्च किया उन्होंने, तो उसपे जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको यूज करेगा, तो इसलिए उन्होंने ना ऐसे ही कॉम्पिटिशन टाइप रखा हुआ था, तो उसी में मुझे $25 का गिफ्ट कूपन मिला है, तो वही जा रहे, मॉल बंद होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट में फटाफट से ऑर्डर करो, जल्दी से जाओ। पीयूष का बर्गर, चिकन पॉपकॉर्न सबके लिए, मैंने पूरी छोड़ी है, और डैडी का, येशा का टैको। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अभी बस एडिट कर रही थी फिर देखा बाय बाय तो करी नहीं है, और यहाँ पे येशा बैठ के चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी खा रही है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज, बाय बाय स्ट्रॉबेरी वाली, बाय बाय। With your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are.